हेलो एंड वेलकम वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स. बच्चों हम लोग क्लास टेंथ के सीबीएसई मैथ्स को देख रहे थे जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे. बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग ऑलरेडी एक सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं लेवल वन का और ये है हमारा लेवल टू. लेवल वन में हमने बहुत ही थियोरेटिकल पोर्शन को डिटेल में करा था और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करा था. अभी हम लोग लेवल टू में हैं जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस का. हम आर एस अग्रवाल के सारे ही सॉल्यूशंस को देख रहे हैं. आपने इसके इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो में कल वाले वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस आपने करे थे वो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन थे. आज हम लोग देखेंगे उन्हीं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को सम पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर में. ये दूसरा एक्सरसाइज है आर एस अग्रवाल का. चलिए देखते हैं. तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी और कलम लेकर सामने बैठिए. लगभग 30 क्वेश्चंस इसके अंदर में हैं और हम उसको लगभग 30 मिनट के अंदर में करके सॉल्व करेंगे बहुत ही फास्ट जी, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है. क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? एवलुएट द फॉलोइंग. देखो इसमें तुमको वैल्यू याद होना चाहिए पहले तो. अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत ही बार इसको करवाया है अच्छे से, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. आपको साइन थीटा का वैल्यू रट के याद रखना है. दैट इज साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 60 रूट 3/2 होता है, साइन 30 के बाद 45 1/√2 होता है और साइन 90 1 होता है. आप इस साइन के वैल्यू को रिवर्स कर दोगे तो यही आपको दे देगा कॉस का वैल्यू. और साइन और कॉस को आप आपस में डिवाइड कर लोगे तो मिल जाएगा टेन का वैल्यू. साइन को रेसिप्रोकल कर लोगे 1/ करके तो कॉस सेक का निकलेगा. सेक को रेसिप्रोकल करोगे तो कॉस को रेसिप्रोकल करोगे सेक का निकलेगा, और टेन को रेसिप्रोकल करोगे कॉट का निकलेगा. चलिए तो शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 60. अच्छा एक बात देखो, अभी जब हम इसी सेम क्वेश्चन को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे तब हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला पुट करेंगे और हम लोग कॉस 60 को लिख सकेंगे साइन, कॉस 30 को लिख सकेंगे साइन 60, क्योंकि फॉर्मूला आपको बताया जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा. आपने अगर पहला वाला सीरीज करा था तो उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ाया हुआ है. तो हम लोग वहाँ से अप्लाई करके यहाँ क्या लिखते हैं? साइन 60, और फिर यहाँ भी आता साइन 60. दैट इज ये होता साइन स्क्वायर थीटा और ये होता कॉस स्क्वायर थीटा. मिलकर आंसर आने वाला था 1. पहले ही हमको पता है, लेकिन अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर कौन सा है हमारा? एट पर्टिकुलर एंगल. तो ये आपसे एंगल का वैल्यू पूछना चाह रहा है. तो साइन 60 का वैल्यू पुट करो √3/2, कॉस 30 का वैल्यू पुट करो √3/2, प्लस कॉस 60 और साइन 30 दोनों का ही वैल्यू होता है हाफ हाफ. तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/4, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/4, दोनों को सम करोगे 4/4, दैट इज 1. सॉल्व हो जाएगा. देखो सेम चीज़ यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया तुम्हारा. फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा नहीं, अभी तो वैल्यू से पुट के सॉल्व करो. कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? वही जो साइन 30 का होगा, तो 1/2, और कॉस 30 साइन 60 दैट इज √3/2. यहाँ भी सेम चीज़ है, तो कट के क्या हो जाना है दोनों को? 0. याद रखना है आपको. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3. आप वीडियो को पॉज करके बनाओ, है ना. मैं थोड़ा सा फास्ट बोल दे रहा हूँ लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एवलुएट द फॉलोइंग. चलो फटाफट बना के दिखाओ, जल्दी से बताओ. कॉस 45 कितना होगा? 1/√2. वेरी गुड. कॉस 30 कितना होगा? तो साइन 60 दैट इज √3/2. साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2. अभी हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक तरफ हमको आएगा √3/√2 और एक तरफ आएगा 1/√2. दोनों को सॉल्व करेंगे √3 + 1/√2. यही हो गया आपका आंसर. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको. साइन 30 / cos 45, cos 45 / sec 60 माइनस साइन 60. देखो बस तुमको वैल्यू पुट करना है. तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है. कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√2 होता है, प्लस कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, और sec 60 का वैल्यू, तो sec 60 का वैल्यू मतलब cos 60 और cos 60 मतलब sin 30, दैट इज़ हाफ. तो इस तरीके से जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी चाहें तो याद रख सकते हैं. अब sin 60 क्या होगा? √3/2. sin tan 45 क्या होगा? 1 माइनस cos 30 कितना होगा? तो sin 60 √3/2, और sin 90 कितना होगा? तो 1. अब जब इस पूरे को ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व होके आएगा √2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो √2/2. ये 2 ऊपर जाएगा, 2/ नहीं, ये आपको यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये सॉल्व होके 2/1 दैट इज़. और अच्छा देखो यहाँ पर sec 60 था ना, तो sec 60 इज इक्वल टू क्या होगा? sec cos का रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1/cos 60, और cos 60 होता है sin 30 दैट इज़ हाफ. तो ये 2 ऊपर जाके 2 होगा, यहाँ पर 2/1 होगा. और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 मिलेगा.
माइनस ये तुमको होगा रूट थ्री बाई टू माइनस ये अगेन होगा रूट थ्री बाई टू। दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ये तुमको अप्रॉक्स में दो दो का यहाँ भी दो आएगा, यहाँ भी दो आएगा, तो ऊपर बच जाएगा रूट टू प्लस वन और यहाँ रूट थ्री माइनस रूट थ्री तो टू रूट थ्री, और नीचे बचेगा तुम्हारा क्या एलसीएम टू। तो सॉल्व हो गया। बेसिकली बस आपको फॉर्मूला का वैल्यू याद रखना है और वैल्यू को पुट करते जाना है। तो चलो यहाँ पर देखो कॉस 60 का वैल्यू जो भी होगा वो यहाँ पे पुट करोगे, सेक 30 का वैल्यू पुट करोगे, टेन 45 का वैल्यू पुट करोगे। हाँ सब में स्क्वायर लगा हुआ है तो इन चीज़ों को याद रखोगे और इस तरीके से एलसीएम लेकर के सॉल्व कर करके बना लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टू कॉस स्क्वायर 60, तो 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो वही जो साइन 30 का वैल्यू होता है मतलब हाफ और हाफ का स्क्वायर, प्लस 3 साइन 45 तो 1 बाई रूट 2 उसका स्क्वायर, माइनस 3 साइन 30 यानी हाफ का स्क्वायर, प्लस 2 कॉस 90 और कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये पूरे टर्म को क्या कर देगा 0। अब उसके बाद तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो जब इसको देखोगे तो ये कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 4 प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 माइनस, उसके बाद इसको स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 1 बाई 4 प्लस 0। अभी फिर से सॉल्व कर रहे हैं तो 2 बाई 4 प्लस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 4, 4 टू 4 का एलसीएम 4 होगा तो 2 प्लस 6 माइनस 4, तो 4 और 2 6 हो गया, नहीं माइनस 3, तो ये तुम्हारा हो गया कितना 6 और 2 8 माइनस 3 दैट इज 5। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5 बाई 4। तो उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी सेम चीज़ है कॉट स्क्वायर 30, तो बताओ कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 टेन 60 के बराबर होगा, और फिर ये तुम कर लोगे कॉट 30 हो जाता है तुम्हारा रूट 3, और रूट 3 का करोगे स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 30 रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 इंटू सेक 45, तो सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, यानी ये हो गया तुम्हारा क्या रूट 2 और प्लस 1 बाई 4 कॉस एक 30, तो कॉस एक 1 अपॉन साइन होता है दैट इज 2 और 2 का स्क्वायर। बस अब इन सारे वैल्यूज़ को सम अप करके निकाल लो तो वही आंसर होगा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई करना है, साइन 30 के वैल्यू का स्क्वायर करके लिखो, कॉट 45 के वैल्यू का स्क्वायर करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, सेक 60 के वैल्यू का स्क्वायर निकालो, तीनों को आपस में सम और सब्सट्रैक्ट जो भी दिया हुआ है वो करो, और करने के बाद एक फैक्टर बनाओ, यहाँ पर कॉस सेक 45 का और सेक 30 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बनाओ और फिर इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, तो ये तुम्हारा जो है सो सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व हो करके इसका आंसर आएगा 2/3। तो आप उसको मैच करवाना। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, 4 अपॉन कॉट स्क्वायर 30, 4 अपॉन कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट 30 का जो वैल्यू होता है आप उसको याद रखोगे 1060 से रूट 3 होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू को अप्लाई करेंगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ क्या लिखाएगा 4 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। हो गया। अभी जब तुम इसको पूरे का पूरे को सॉल्व करोगे और क्या कह रहा है इवेलुएट, हाँ माइनस साइन जीरो का स्क्वायर, तो माइनस साइन जीरो तो जीरो ही होता है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे। अब इस पूरे को सॉल्व करो तो 4/3 प्लस 4/1 माइनस 2/2 माइनस 0, ये 4/3 कैसा है, तो 3 का स्क्वायर किया मैंने, ये देखो तो ये 1/4 होगा और ये ऊपर जाएगा तो इसको 4 बना देगा और ये यहाँ पर 2/√2 का स्क्वायर 2। तो इस तरीके से हमको ये कुछ आ रहा है, तो ये भी सॉल्व होकर यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा और ये 1/1 हो जाएगा, 3/1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, और फिर उस 3 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 12 और माइनस 3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 माइनस साइन 60, तो बस साइन 60 का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करो, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन का, पहला पार्ट देखो क्या कह रहा है, दो पार्ट है, पहला कह रहा है 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60, प्रूफ करना है हमको कि ये है टेन 60 माइनस 1 अपॉन टेन 60 प्लस 1, तो कोई नहीं है वैल्यू पुट करिए, बस साइन 60 का वैल्यू कितना होगा,
रूट वन अपॉन रूट थ्री बाई टू माइनस कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर होता है ना, यानी हाफ। चलो ये हम लोग लेके चल रहे हैं किसको, एल एच एस को। सॉल्व करो तो 2 माइनस रूट थ्री बाई टू और 1 बाई टू, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 और 2 कैंसिल, दैट मीन्स कि ये सॉल्व होके आ रहा है 2 माइनस रूट थ्री। अब वही चीज़ यहाँ करो, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस 1। तो आर एच एस में तो बस यही बच रहा है ना, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस 1। अब करेंगे इसको रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले वैल्यू के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1 सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट थ्री माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। अब इसके बाद ऊपर सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके आएगा 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर दैट इज रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1। और सॉल्व कर लेंगे तो नीचे वेट कर कौन रहा है 2, तो जब ये सॉल्व होके आएगा तो ये लिखा आएगा 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। अब इस 2 को सॉल्व कर लोगे तो 2 माइनस रूट 3, नीचे भी 2 माइनस रूट 3 और ऊपर भी 2 माइनस रूट 3, सॉरी एल एच एस भी 2 माइनस रूट 3 और आर एच एस भी 2 माइनस रूट 3। आंसर क्या हो गया, हो गया सही। चलो इसी तरीके से दूसरा जो है उसको भी सॉल्व कर लोगे, तो इसमें भी बस वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को पुट करके जो है सो कॉस 30 जो होता है हमारा वो क्या होता है साइन 60 डेट इज रूट 3 बाई 2 के इक्वल कर देना है और उतना हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आसान लग रहा होगा अगर आपने पूरा ही ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज़ का जो हमारा वीडियोज़ है लेवल 1 और 2 का सारा ही आपने देखा है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कह रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, साइन 60 का वैल्यू बताओ रूट 3 बाई 2, कॉस 30 का वैल्यू बताओ तो ये भी रूट 3 बाई 2, कॉस 60 का वैल्यू बताओ हाफ, साइन 30 का वैल्यू बताओ हाफ, सॉल्व करो इसको। तो अब बताओ ये तुमको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3 बाई 4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1 बाई 4, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2 बाई 4, और 2 बाई 4 सॉल्व करके क्या होता है हाफ, और इसी हाफ और फिर जब साइन 30 को ही क्या लिखते हैं हाफ, यानी ये पूरा ही वैल्यू साइन 30 के बराबर है। इसी तरीके से आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करोगे और बाद में आर एच एस के वैल्यू को पुट करके मिलाओगे तो वो आपको सही आंसर दे देगा। समझ में आ रहा है, ये भी तुम कुछ देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे साइन 30 को हाफ को और कॉस 30 को दैट इज रूट 3 बाई 2 को, तो सॉल्व करो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी 1 और 1 रूट 3 बाई 2 बचा और रूट 3 बाई 2 ही क्या होता है साइन 60। तो इस तरीके से सारा ही क्वेश्चन जो है सबको सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट। देखो तुमको यहाँ पर ए के वैल्यू पे 30 रखना है और इन चीज़ों का आपस में वेरीफाई कराना है। तो देखो एल एच एस में क्या है साइन 2 ए बराबर आर एच एस में क्या है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ ए इज इक्वल टू अगर मेरा 30 है तो हम लिख सकते हैं कि साइन और ए के जगह पर जब 30 रखोगे तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। ये हमारा क्या एल एच एस, और जब इसको सॉल्व करोगे साइन 60 तो ये होगा रूट 3 बाई 2। अब देखो आर एच एस को लेकर तो आर एच एस में जब 30 रखोगे तो 2 इंटू टेन 30 दैट इज़ 1 बाई रूट 3 और 1 प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर तो 1 बाई 3, इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 1 4 बाई 3 और इसको सॉल्व करोगे तो 2 बाई रूट 3। अब ये ऊपर जाएगा तो 3 अपॉन 4 ये कैंसिल हो गया 2 से और ये कैंसिल हो गया रूट 3 से, तो बचा क्या रूट 3 बाई 2। आर एच एस में हमारा क्या आया रूट 3 बाई 2, दोनों ही क्या हो गया इक्वल। इसी तरीके से अगर हमको दूसरा वाला ये सॉल्व करना होगा तो इस केस में आप कॉस 2a तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 30 इंटू 2 60 कॉस 60 और फिर इसको वैल्यू पुट कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। आप सारा ही कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक एक करके बनाइए सारा, केवल कहानी सुनने से नहीं होगा ना लाइकों। बेवकूफ़ों, गधों, काफिरों, चलो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू 60 और बी इज इक्वल टू 30 वेरीफाई दैट साइन ए प्लस बी। तो देखो साइन ए के जगह पे रखोगे 60, बी के जगह पे रखोगे 30 इज इक्वल टू साइन ए दैट इज साइन 60 इंटू कॉस बी दैट इज कॉस 30 प्लस कॉस ए दैट इज कॉस 60 और साइन बी दैट इज साइन 30, है ना। तो वही तुमको देखो यही मैंने आपको कहा था ना, ये एक फॉर्मूला ही है दरअसल में, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और होगा भी साइन 91 होता है ना, यहाँ भी सॉल्व करोगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर वहीं आना है, या फिर तुम सॉल्व कर लो साइन 60 का वैल्यू वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो रूट 3 बाई 2, कॉस 30 का वैल्यू भी रूट 3 बाई 2, इधर कॉस 60 साइन 30 दोनों का वैल्यू हाफ और हाफ, तो ये 1 बाई 4 और ये 3 बाई 4, प्लस करोगे 4 बाई 4 कट के आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखो,
ए इज इक्वल टू 60। कॉस के लिए फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पुट करके देख लो, ए प्लस बी मतलब 60 प्लस 30 90, तो कॉस 90 कितना होता है? जीरो। अब जब कॉस 90 जीरो हो गया, यहाँ भी क्या आना चाहिए? जीरो। देखो कॉस ए, तो कॉस ए मतलब कॉस 60, कॉस बी मतलब कॉस 30, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30, दैट इज हाफ। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60, दैट इज रूट 3/2। माइनस अगेन साइन ए, दैट इज साइन 60, और साइन बी साइन 30, तो साइन 60 भी क्या होगा? रूट 3/2, और इन टू साइन 30 क्या होगा? हाफ। तो सेम चीज़ यहाँ भी और यहाँ भी, घट के हो जाना है जीरो। एल एच एस बराबर आर एच एस। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ ए इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 30, वेरीफाई दैट। वही चीज़ें, साइन ए माइनस बी है, तो 60 माइनस 30 करोगे तो 30 बचेगा और साइन 30 का वैल्यू आएगा हाफ। जब इसको सॉल्व करोगे तो वो भी हाफ आएगा। कैसे? तो साइन ए साइन 30 दैट इज रूट 3/2, कॉस बी कॉस 30 दैट इज रूट 3/2। उसके बाद कॉस ए, कॉस ए मतलब कॉस 60 जो कि होता है साइन 30 के बराबर, दैट इज़ हाफ। और साइन बी मतलब साइन 30, वो भी होगा हमारा हाफ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4। सॉल्व कर लेंगे तो 2/4 और 2/4 सॉल्व हो गया 1/2, दैट इज आर एच एस। सॉल्व हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 17। ए इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 30, सेम चीज़ है ना। ए इज इक्वल टू 60 और बी इज इक्वल टू 30, तो घटा लोगे तो 30 आएगा, यानी कॉस 30। और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? जो साइन 60 होता है, दैट इज रूट 3/2। रूट 3/2, अब यहाँ भी सॉल्व करने पे वही आना चाहिए, आएगा ही। कॉस 60 का वैल्यू हाफ, कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2, प्लस साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2 और साइन 30 का वैल्यू हाफ, यानी ऊपर बच रहा है रूट 3/4 और प्लस इधर बच रहा है रूट 3/4। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो दैट इज 2√3/4। इसको सॉल्व कर लोगे तो 2, यानी √3/2, दैट इज आर एच एस। यहाँ फिर से देखो, ए 60 और बी 30, तो टेन ए माइनस बी घटा लोगे तो टेन 30, डैट इज 1/√3। अब इसको सॉल्व करो, टेन ए मतलब टेन 60 मतलब रूट 3, टेन 30 मतलब 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेन ए का मतलब टेन 60 डैट इज रूट 3, और टेन बी का मतलब 1/√3। √3 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये भी 1 ही बचेगा और 1+1 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3-1/√3, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 2/1। इसको सॉल्व करो तो 1/2। अब 3-1 क्या हो गया? 2, और 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स कि ये सॉल्व हो क्या आएगा? 1/√3, और वही क्या है? एल एच एस। तो थोड़ा सा आपको बढ़िया से करना है, इसको इतना फास्ट नहीं बनाना है आपको। आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके बहुत ही आराम से बनाइए। ये लगभग मैंने 30 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करा अभी, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक मिनट में एक क्वेश्चन। लेकिन आपको इसमें लगभग 3-4 मिनट देना है एक क्वेश्चन पे। आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है, लिख लिख के बहुत ही बढ़िया से हैंडराइटिंग बना बना के। तो ये 30 मिनट का वीडियो आपको देखना है लगभग में 120 मिनट्स के अंदर में, 1.5 से 2 घंटे के अंदर में। चलो, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट टेन ए इज इक्वल टू 1/3। अच्छा एक बात बताओ, कह रहा है कि टेन ए इज इक्वल टू 1/3, और हमको पता है कि 1/3 ही किसके बराबर होता है? दैट इज टेन, नहीं 1/3 है ना, तो रहने दो। चलो टेन ए इज इक्वल टू 1/3 एंड टेन बी इज इक्वल टू 1/2, टेन बी इज इक्वल टू 1/2, ये चीज तो दे दिया। एंड टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए टेन बी, 1 - tan a + tan b, सो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 45। अच्छा देखते हैं, एक काम करते हैं, सो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 45, टेन ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो और टेन बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या लिखोगे? 1/3 + 1/2 / 1/3 × 1/2। ये कर लिए हम लोग, ये देख रहे हैं किसको? आर एच एस को। तो ये सॉल्व होकर क्या आएगा? 3 और 2 का एलसीएम 6 ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस यहाँ बच जाएगा 3, दैट इज 5/6। और यहाँ सॉल्व करोगे तो 1/6 होगा, तो 6 - 1 गया, तो ये भी होगा तुम्हारा 5/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब ये ऊपर भी 5/6, नीचे भी 5/6, पूरा कट के आ जा रहा है 1, दैट मीन्स कि आर एच एस का वैल्यू क्या हो रहा है? 1। और एल एच एस में क्या है? टेन ए प्लस बी। तो ये चीज़ सॉल्व होकर ऐसा कुछ हमको मिल रहा है कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, ये जो हमारा 1 है वो टेन में किसका वैल्यू होता है? कितना टेन 1 होता है? तो आपको याद होगा कि टेन 45 1 होता है, दैट मीन्स कि इस 1 के बदले हम लिख सकते हैं कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन 45। अब चूंकि दोनों ही टेन में ही है और दोनों का वैल्यू भी सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि एंगल कितने, एंगल कैसे रह रहे होंगे? सेम रह रहे होंगे। इसका मतलब है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 45। हो गया सॉल्व। चलिए 19 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20। टेन टू ए, देखो जब तुम 11th में जाओगे ना, तो ये सब चीज़ का तुमको पूरा का पूरा एक फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा। टेन टू ए इज इक्वल टू टेन टू ए अपन 2 tan a / 1 - tan² है, तो वहाँ तो बस ये फॉर्मूला में ही आ जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 60
इट गिवन दैट 10:30 इज इक्वल टू 1/√3। अब देखो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए तुमको निकालना है 10:60। तो एक बात बताओ, 10:60 को हम लिख सकते हैं 10 2 into 30, और जब 10 2 a हम लिख देंगे तो उसके लिए हमको फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, दैट इज़ 2 into 10 a, और a को हमने 30 माना है, तो 2 tan 30 upon 1 minus tan 30 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 2 into tan 30 1/√3, और 1 minus 1/√3 का स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो 2/√3, और ये सॉल्व करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, और 3 minus 1 2/3, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और 3 से ये √3 कैंसिल, यानी इस पूरे को सॉल्व करके हमको आ रहा है √3। और देखो यहाँ 10 2 a यानी 10:60 उसका वैल्यू हम क्या निकाल लिए, √3 है। कैसे निकालें, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके। ये फॉर्मूला है जो कि कौन दे रहा है तुमको, तुम्हारा बुक दे रहा है, बोल रहा है कि इसी को यूज़ करो और 10:60 का वैल्यू निकालो। तो 10 2 a दे रहा है ना, तो 60 हो भी सकता है 2 into 30, तो a की जगह पे तुमने 30 मान लिया और फॉर्मूला को बैठा दिया। फिर से सेम चीज़ नीचे, यूजिंग फॉर्मूला दिस, ये सब फॉर्मूला है जो क्लास 11th में हमको पढ़ना है। कॉस ए इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो रहा है, आपको वैल्यू निकालना है कॉस 30 का। तो बताओ कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, √1 + cos 2 into a, तुमने ए को 30 मान लिया है, बटे 2, सॉल्व करो √1 + cos 60, और cos 60 का वैल्यू sin 30, डेट इज़ हाफ, और अपॉन 2, ये सॉल्व करोगे तो 2 1 2 + 1 3/2 का बटे में 2/1, ये सॉल्व करो तो 1/2 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 3/4 होगा अंडर रूट में, तो सॉल्व होकर बाहर निकलेगा √3/2, यानी कॉस 30 क्या हो गया, √3/2। हमने बना लिया इसको फॉर्मूला से, ये हम वैल्यू नहीं याद कर रहे हैं, फॉर्मूला से बना रहे हैं, और ये फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, तो बुक में गिवन रहेगा। फिर देखो साइन ए का फॉर्मूला गिवन है 1 - cos 2 a upon 2, अब यहाँ पे पुट करो तो फटाफट sin 60, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30, हमको sin 30 का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो देखिए तो फटाफट से क्या क्या होने वाला है, निकालो sin 30, और 30 को ही मान लो a, तो sin 30 इज इक्वल टू √1 - cos 2 into 30 और अपॉन 2, सॉल्व करेंगे 1 - cos 60 upon 2। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है, जो sin 30 का होता है, और sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो 1 - half/2 अंडर रूट में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 - 1, तो 1/2, ये सॉल्व होकर आया 1/2/2/1, और ये जाएगा ऊपर 1/2, तो दैट मीन्स कि अंडर रूट में 1/4, अब अंडर रूट में है 1/4, तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। ये हमको याद नहीं, हम फार्मूला से बनाए। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 32। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90। ये एक ABC ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर एंगल बी पे राइट एंगल हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, दैट मीन्स कि ये इसका हाइपोटेनस होगा, और अगर हमने इसको थीटा माना है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। बाकी एक दिया हुआ ये 20 सेंटीमीटर, बाकी सारा कुछ निकालना है। तो देखो एच और तुमको निकालना क्या है, फाइंड BC AB सब। तो एच और बी को रिलेट करता है कौन, कॉस। तो तुम लिखो कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, थीटा है 30, दैट मीन्स कॉस 30 इज इक्वल टू B/H है तुम्हारा 20। अब कॉस 30 का वैल्यू तुमको याद होगा, जो कि साइन 60 होता है, √3/2 इज इक्वल टू B/20, ये 2 से 20 कटा 10 बार में, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो B इज इक्वल टू 10√3, यानी बेस का वैल्यू कितना आ गया 10√3। परपेंडिकुलर निकालना है तो P और B 10 यूज़ कर लो, तो लिखो कि 10:30 इज इक्वल टू P/B, यानी 1/√3 इज इक्वल टू P/10√3, यानी 10√3 upon 10√3 इज इक्वल टू P, √3/√3 कैंसिल, दैट मीन्स कि P इज इक्वल टू 10, P कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, वैल्यू सॉल्व हो गया। सेम क्वेश्चन है इधर फिर से, देखो ये वैल्यू दिया हुआ है 6, तुमको पूछ रहा है ये वाला और ये वाला, तो 10 निकाल लो, तो P और B में रिलेशन आ जाएगा, तो लिखोगे कि 10:30 इसके लिए, तो इसके लिए ये P और ये B, 10:30 इज इक्वल टू P/B, दैट मीन्स कि 6/B, और 10:30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 6/B, देन B इज इक्वल टू 6√3। फिर वैसे ही ये निकालना होगा, तो ये तो निकल गया ना 6√3, अब उसके बाद ये निकालना होगा H, तो H के लिए निकाल लो तुम साइन थीटा, तो साइन 30 इज इक्वल टू P/H, P है तुम्हारा 6 और H तुमको पता नहीं, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, हाफ इज इक्वल टू 6/H, H को इधर भेज दो, यानी H इज इक्वल टू 6 × 2, डेट इज 12, तो ये कितना हो जाएगा 12, है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 25 नंबर में क्या कर रहा है, इन दैट एडजॉइनिंग फिगर ABC इज राइट एंगल एट B। देखो फिर से वही सेम चीज़ है, तुमको यहाँ पर H गिवन है और थीटा गिवन है, तो बाकी ये दोनों ही निकालना है। तो एक बार तुम tan यूज़ कर लो, तो P और B नहीं, अभी तो H दिया हुआ है ना, तो sin यूज़ कर लो, तो लिखोगे sin 45 इज इक्वल टू, इसके लिए ये होगा P, तो P/H sin 45 का वैल्यू 1/√3, डेट इज इक्वल टू P/3√2, √2 से √2 कैंसिल, इसका मतलब हो गया कि P हो गया हमारा 3, P
पी क्या है हमारा 3। अब निकालना है बी, तो कॉस यूज़ कर लो, लिख लो कॉस 45 इज इक्वल टू बी बाई एच, ये भी 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू बी बाई 3 रूट 2, और यहाँ से रूट टू कैंसिल, तो बी भी कितना हो जाएगा 3, इसका ये भी 3 और ये भी 3 होना भी चाहिए क्योंकि एक एंगल 45 है दूसरा भी 45 होगा, और अब जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम होता है तो उसके आमने सामने का साइड भी सेम होता है, तो एक अगर हमने निकाला 3 तो दूसरे का भी कितना होना था 3। चलो 16 देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, और देखो साइन ए प्लस बी 1 है, इसका मतलब है साइन 1 कब होता है, जब साइन 90 होता है, तो यानी ए प्लस बी बराबर क्या हो रहा होगा यहाँ पे 90 हो रहा होगा। दूसरी तरफ कॉस ए माइनस बी बराबर 1, और कॉस 1 के कहाँ पे होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ए माइनस बी के जगह पर क्या रह रहा होगा 0 रह रहा होगा, तो दो इक्वेशन निकल गया, एक ए प्लस बी बराबर 90 और दूसरा ए माइनस बी बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों को ऐड करोगे तो 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180, दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू, सॉरी दोनों को जोड़ रहे हैं ना हम लोग, तो ये 90 प्लस 0 90 ही होगा, तो 2a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, सॉल्व कर लोगे तो 45, इसका मतलब है कि a कितना आ गया 45, और जब a प्लस बी 90 है तो b भी कितना होगा 45, दोनों कितना कितना हो गया 45। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, और जो ये ए प्लस बी का साइन है, ये जो ए प्लस बी का वैल्यू है, वो दोनों ही एक्यूट है, दोनों ही 0 और 90 के बीच में रहने वाले हैं, तो आपको ए और बी अलग अलग निकालने हैं। तो फिर से देखो, साइन ए माइनस बी बराबर हाफ, अब हमको एक बात बताओ कि साइन हाफ होता कब है, जब यहाँ पर रहता है 30 डिग्री, यानी दैट मीन्स कि ए माइनस बी को इनडायरेक्टली ये लोग क्या बोल रहे हैं 30 डिग्री। दूसरी बात, साइन कॉस ए प्लस बी को ये लोग बोल रहे हैं कितना हाफ, अब कॉस हाफ कब होता है, कॉस हाफ होता है कितना पे, कॉस 60 पे, दैट मीन्स कि ए प्लस बी कितना रह रहा है 60, देख लो ए प्लस बी करने के बाद भी 90 से छोटा हुआ ना, हाँ है भी, निकाल लो सॉल्व करो, दोनों को जोड़ दो, ये कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45, अब a इज इक्वल टू 45 हो गया, तो b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस a, तो 60 माइनस 45 दैट इज 15, तो ये भी सॉल्व हुआ। अब उसके बाद देखो 28 नंबर क्या कह रहा है, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, याद है कि टेन का वैल्यू 1/√3 कब होता था, जब यहाँ पर रहता था 30, यानी ए माइनस बी कितना होने वाला है 30, और ये टेन थीटा रूट थ्री है, टेन रूट थ्री कब होता था, जब ए यहाँ पर रहता था 60, और यहाँ पे अभी क्या है ए प्लस बी, तो इसका मतलब है ए प्लस बी को होना चाहिए 60, और ए प्लस बी 90 से छोटा है भी, तो निकाल लो सॉल्व कर लो, तो ये भी वही चीज़ आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आएगा 45 और बी इज इक्वल टू आएगा 15, सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखो 29, इफ 3x इज इक्वल टू cos x थीटा एंड 3y x इज इक्वल टू cot थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस 1/x². देखो जब भी cos x और cot एक साथ दिखे तो समझ लेना कि यहाँ पर आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, तो हमको पता है ना कि cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, अब बताओ cos x थीटा का वैल्यू क्या है 3x, तो इसका स्क्वायर चढ़ा लो, cot थीटा का वैल्यू क्या है 3/x, तो इसका स्क्वायर चढ़ा लो, मिलके क्या होने वाला है 1, इसको सॉल्व कर लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9x² माइनस, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 9/x², है ना। अब उसके बाद इस सब में से 9 को बाहर निकाल लो, तो हो जाएगा x² माइनस 1/x², ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं क्या LHS, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, यानी LHS हमारा मिला 9x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू RHS में क्या वेट कर रहा है 1। अगर तुमसे केवल इसका हम वैल्यू पूछें x² माइनस 1/x² का, तो 9 उधर जाएगा, तो हो जाएगा 1/9, इसका मतलब है कि ये जो इतना बड़ा वैल्यू है इसका अपना वैल्यू खुद का है 1/9, और बाहर से कौन वेट कर रहा है 3, तो ये 3 इसको काट देगा, सॉल्व होकर आएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर ऊपर से कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज़। देखो हाँ, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, साइन 75 का वैल्यू तो तुम याद किए नहीं हो, तुम तो साइन में 0 याद किए, 45 याद किए, 60 याद किए, 90 याद किए, 30 याद किए, 75 याद नहीं किए हो, लेकिन हाँ तुम एक काम कर सकते हो, तुम 75 को लिख सकते हो किसी चीज़ों को, दो चीज़ों को कंबाइन करके आपस में, समझ में आ रहा है, अगर हम 30 को 45 में जोड़ दें, हम लिख सकते हैं साइन 75 इज इक्वल टू साइन 30 और प्लस 45, ऐसा करने से क्या हुआ, साइन ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला ऊपर गिवन है, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लिख दिया साइन 30 हाफ कॉस 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 साइन 45 1/√2,
सॉल्व कर लो, 1/2√2, √3/2√2 क्या हो जाएगा, 1+√3/2√2, और यही हो गया हमारा आंसर। देखो एक और निकालना है तुमको, cos 15, तो cos 15 निकालना है ना, तो इसमें क्या करना है हमको, डिफरेंस देखना है। तो एक बात बता दो फटाफट, अगर तुम 60 में से 45 घटा लोगे तो क्या आ जाएगा, 15 लगा दो इधर, cos क्या हो गया, cos a माइनस बी, फॉर्मूला देख लो ऊपर से कि cos, ये यहाँ देखो cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b sin a sin b, तो लिखो cos a cos 60 इंटू cos b cos 45 माइनस sin a sin 60 इंटू sin 45, cos 60 का वैल्यू हाफ, cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2 और sin 45 का वैल्यू 1/√2, सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा 1/√2 माइनस इधर भी आएगा तुम्हारा √3/2, तो ये बच जाएगा 1-√3/2, सॉल्व होकर के, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करा विद इन 30 मिनट्स, लगभग 29 मिनट और समथिंग कुछ सेकंड्स हो रहे हैं। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान है चीज़, आपको बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाले हैं। दूसरी बात, आपके पास जो भी बुक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिना प्रैक्टिस के भी कुछ ही नहीं होता है, एप्लीकेशन में जो भी जितने भी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उनको करिए, उसके बावजूद आपके पास जितने भी बुक्स हैं आप उनको सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए, बहुत सॉल्व करिए। हम लोग बहुत ही जो है सो देखो, हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में कवर कर रहे हैं, कुछ कुछ भी चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भी कर रहे हैं फिर भी हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, हम लोग बहुत फास्ट होने वाले हैं। आप जो ये ऑनलाइन पढ़ाई का आपने जो ये मतलब चूज़ करा है ना, आप यकीन मानिए आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 1 or 2 months जब आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ चीज़ें आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि कैसे मतलब ऑफलाइन क्लासेज में हम लोग कितना डिले चलते हैं, कितना पीछे चलते हैं, और यहाँ हम लोग फटाफट जो है सो, चूँकि यहाँ आप अपने हिसाब से हमको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा स्पीड पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप चीज़ों को स्पीड में कर सकते हो, भगा के कर सकते हो, देख सकते हो बहुत ही अभी तो आपके प्लेयर में वो चीज़ों को स्पीड करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्पीडोमीटर लगा लो डबल ट्रिपल, आप उसको बहुत स्पीड करके देख सकते हो, बहुत ही फास्ट करके देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़े से वीक हो, तो उसको 3-4 बार देख सकते हो, पीछे करके देख सकते हो, स्लो करके देख सकते हो, तो बहुत ही बेनिफिट है। समय ज़्यादा समय देना है तुमको, समय फ्लेक्सिबल है, जब मन होता बैठ के देखो, लेकिन देखो करो पूरा कंप्लीट। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। अभी इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीरीज वन में करा हुआ था, मजा आया था बहुत ज़्यादा उसमें, इसमें भी आने वाला है। तो कल हम लोग करेंगे आर एस अग्रवाल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का चैप्टर। थैंक यू।